आज हम लोग फिजिकली जो हम जिससे इंसेक्ट कंट्रोल करते हैं उसके बारे में प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जैसे कि आप लोग इसको देख रहे हो कि ये एक फेरोमोन ट्रैप लगाया है हमने, ये जो बच्चों ने फील्ड तैयार आप लोगों ने किया है चने का, इसमें हमने फेरोमोन ट्रैप लगा के हम लोग प्रैक्टिकल इसका कर रहे हैं कि देखते हैं कि इसमें इंसेक्ट अभी है कि नहीं। अगर एक दो भी इंसेक्ट होंगे तो वो इसमें आके गिर जाएंगे। तो इसका जो यूज होता है, आप लोग ये समझ लो कि फेरोमोन ट्रैप हम इसलिए लगाते हैं, ट्रैप का मतलब होता है जाल। किसी भी तरह से जाल, जैसे हम लोग चूहे को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं उसको हम ट्रैप बोलते हैं, या तो हम लकड़ी का बना के लाके आते हैं या कुछ करते हैं। तो इस तरह से ये एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें कि हम लोग ये येलो स्टेम बोरर का, जिसमें एक इंसेक्ट जो भी आपका इसमें फील्ड में अगर होगा तो इसमें आके गिर जाएगा, फंस जाएगा। ये एक एक प्रकार का इसमें स्मेल होता है जो कि आपके इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और आपको इससे इंसेक्ट की क्वांटिटी का पता चल जाता है कि कितने इंसेक्ट आपके फील्ड में मौजूद है। तो ये एक तरह का यांत्रिक कीट पकड़ने की एक विधि है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कीट को हम मारते हैं किस किस तरह से मार सकते हैं, या तो हम एक केमिकली स्प्रे कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमको यांत्रिक विधि से पता करना है कि हमारे पूरे फील्ड में कितने इंसेक्ट हैं, अगर कम है तो हमें केमिकल का यूज करने की जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा इंसेक्ट है तो हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इसको हमको इसमें डाल देना है, तो इसकी जो स्मेल है उसको अट्रैक्ट करके कुछ दिन में, 3-4 दिन बाद जब आप इसको देखोगे आके, तो इसमें आपको एक ना एक आपको 2-3-4 इंसेक्ट नजर आएंगे। और आप अगर इंसेक्ट की क्वांटिटी मात्रा आपको ज्यादा नजर आती है तो उससे हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि हमारी पूरी फील्ड में बहुत ज्यादा इंसेक्ट हो चुके हैं, कीड़े हो चुके हैं, इल्ली हो चुकी है, तो उसका हम लोग केमिकली ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर 2 या 3 आपको दिख रहे हैं तो फिर आपको केमिकल यूज करने का उसमें कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह के आप लोग फेरोमोन ट्रैप है, इस तरह का आप बना भी सकते हो, इसको बहुत ईजी है ये। तो इस तरह का आप एक देख रहे हैं कि इसमें एक पन्नी लगी हुई है और ये प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, तो इसको आप बना के पूरे आपका 1 एकड़ का खेत अगर है तो 8 से 15 जगह पे आप इसको लगा दीजिए। तो वहां पे आप बीच बीच में इस तरह की खूंटी खूंटी के ऊपर लगा के आप देख सकते हो कि आपको जो इंसेक्ट की क्वांटिटी है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगी।